नवा रायपुर स्थित अटल नगर के मंत्रालय में साय कैबिनेट की बैठक बुधवार को देर शाम संपन्न हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साय ने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि विख्याता नीति 2024 का अनुमोदन किया गया है, साथ ही पीडीएस के तहत चना वितरण को मंजूरी दे दी गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने आगे कहा कि बस्तर सरगुजा मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण पुनर्गठन का निर्णय हुआ है, इसके बनने से उन क्षेत्रों में विकास होगा और इसके अध्यक्ष सीएम विष्णुदेव साय होंगे। वहीं विदेशी मुद्रा के थोक विक्रय और भंडारण के लिए विनिर्माता इकाइयों से सीधे क्रय किया जाएगा। क्रय करने की जिम्मेदारी बेवरेज कॉर्पोरेशन को दिया गया है। इसका विजन डॉक्यूमेंट 1 नवंबर को जारी किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के अध्यक्षता में संपन्न हुई और आज जो महत्वपूर्ण इस बैठक में निर्णय लिए गए, जो हमारा पूर्व में बस्तर सरगुजा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, उसके पुनर्गठन का आज निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को प्रभावी और सशक्त बनाना, साथ ही इसके बनने से उन क्षेत्रों में जन सुविधाओं का विस्तार होगा, कामों में गति आएगी। इन सभी प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी होंगे और उस अलग अलग क्षेत्र के प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष संबंधित क्षेत्र के माननीय विधायक होंगे, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव या सचिव सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। आने वाले समय में हमारी सरकार हर तरह से भर्ती का सिलसिला प्रारंभ करेगी। हम सब ने अपने अपने विभागों में जो पदोन्नति के पद हैं, जो रिक्त पद हैं, उसके लिए काम करना प्रारंभ किया है और आने वाले समय में तेज गति से भर्तियां होंगी और नौजवानों के सपनों को साकार करने के लिए भी योजना बनाकर हम काम करने वाले हैं। भारत सरकार जो है एग्री स्टेक योजना पर काम कर रही है। एग्री स्टेक में कृषि में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप और प्रौद्योगिकी और डिजिटल डेटा बेस का संग्रह जो किसानों और कृषि क्षेत्र पर केंद्रित है, ये भारत सरकार के निर्देश पर चल रहा है। हमारी सरकार में भी किसान आईडी और किसानों के खेतों को विस्तृत रूप से मैपिंग करके और जियो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है। इस दिशा में भी जो काम कृषि विभाग और राजस्व विभाग मिलकर कर रहे हैं, उसका भी आज प्रेजेंटेशन हुआ है। ये बहुत लाभकारी साबित होने वाला है और किसानों के सभी जमीनों का एक ही स्थान पर नंबर, जितने खसरे होंगे वो एक साथ मिलेगा। नक्शे के बटांकन को लेकर जो विवाद होता है वो मिनिमाइज होगा। तो ये बहुत बड़ा एक अभियान सरकार चला रही है। इसका भी आज प्रेजेंटेशन कैबिनेट की बैठक में किया गया।